आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। उमरिया में आरोपी के द्वारा एक युवक की हत्या कर देने का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं यह हत्या का मामला कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सजनारा का है, जहां स्थानीय निवासी कल्लू यादव नामक युवक की हत्या कर दी गई है एवं घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस टीम मौके पर घटना स्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की गई। इस दौरान युवक के शव को जिला अस्पताल लाया गया एवं पुलिस और परिजनों की मौजूदगी में पीएम कार्यवाही के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया गया है एवं जांच कार्यवाही जारी है। वहीं मृतक कल्लू यादव के परिजनों ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि कल्लू यादव देर रात्रि सड़क मार्ग से होकर अपने घर जा रहा था। उसी दौरान स्थानीय निवासी आरोपी दादू राम बैगा के द्वारा धारदार हथियार कुल्हाड़ी मारकर कल्लू यादव की हत्या कर दी गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई एवं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच कार्रवाई की गई है। पेशे उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। कल्लू यादव ग्राम सहजवाना में हत्या हो गई है। पुलिस से भी अपन मांग करते हैं कि आदिवासी है आरोपियों को जल्द जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसको न्याय मिलना चाहिए, जल्द जल्द उसको न्याय मिले। घटनाएं हुई है लेकिन पुलिस लगातार लगी हुई है कि घटनाएं न हुई, पुलिस प्रयास में है, पुलिस भी लगी हुई है कि जल्द जल्द गिरफ्तार हो और मुजिब जल्दी छेड़छाड़ी मारपीट हुआ है 11 बजे करीबन गांव के अंदर, उसको मर्डर कर दिया गया है। अब हम लोगों को सुबह कुछ जानकारी हुई तो हम लोग गए, पुलिस प्रशासन से मदद लिए, पूरी मदद में रहे, उसको पोस्टमार्टम में लेके आए हैं, तो यहाँ पोस्टमार्टम की तैयारी कार्रवाई जा रही है कि उमरिया कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सहजनारा है, उमरिया से ज्यादा दूर पे नहीं है, 15-20 किलोमीटर की दूर पे है। वहाँ पे किसी यादव युवक की हत्या हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी डेड बॉडी मिली है। निश्चित रूप से जो प्रथम दृष्टा है लोग बताते हैं और जिस प्रकार की बातें आई हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि हत्या का मामला है और रंजिश की गई है। हमारा पुलिस से आग्रह है कि इसमें जांच तफ्तीश करें, क्योंकि चुनाव का टाइम भी आ गया है नजदीक, पुलिस की व्यस्तता भी है, परंतु फिर भी ये ऐसे गंभीर मामले हैं जिसमें पुलिस को सब काम छोड़ के ध्यान देना पड़ेगा। तो हम जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार से घटना न घटे, लोगों को समझाइश दें और लोग भी आपसी वैर मनुष्यता को त्यागें, बात बात पे गुस्सा न हो और अपने मन में कोई दुर्भावना न रखें जिससे इस प्रकार की कोई घटना कारित न हो। जिस परिवार में उस परिवार के व्यक्ति की हत्या होती है या मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से उस परिवार को बहुत आर्थिक संकट से और बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, उसको झेल पाना मुश्किल हो जाता है, उसके परिवार पे कहर टूट जाता है। तो इस घटना से भी हमको ये चाहिए कि लोगों को समझाइश दें कि हत्या जैसी वारदात न करें, किसी परिवार को उसके जान से न मारें जिससे कि उसका जीवन यापन कठिन हो जाए। जो हत्या हुई है उसकी पुलिस को जांच करना चाहिए और जो लोग भी हों उसमें संबंधित लोग उनके खिलाफ कार्रवाई। ग्राम सहजनारा में एक कल्लू यादव की बड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई है और यह उमरिया जिले में अपराध बहुत बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि इसकी जो है सघन जांच कर और अपराधियों को जल्द जल्द पकड़ने का कोशिश करें। हम इसकी पता चला कि कल्लू यादव जो सजनारा गांव के हैं उनकी हत्या हो गई है। जिले में लगातार हत्या की घटना बढ़ती जा रही है। हम चाहते हैं कि प्रशासन इस हत्या पर रोक लगाने की कोशिश करे ताकि ये हत्या का जो प्रयास किया जा रहा है वो कम हो सके, सभी सहयोग करें। तो जो सजनारा में घटना हुई है ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले गगड़ार में अन्य किसी और गांव में बार बार सूचना मिलती है कि हत्या के प्रयास। कल्लू यादव ग्राम सहजनारा का रहने वाला है, उसको मृत के पश्चात जिला चिकित्सालय उमरिया में लाया गया, जिसकी पीएम की कार्यवाही चालू है। पीएम कार्यवाही के बाद उस शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा।